तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारा अब जो सीरीज चल रही थी एनवायरनमेंट लॉ की, ठीक है, उसका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 है वो क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्या शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो दोनों की शक्तियों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियाँ क्या है। देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के साथ साथ पानी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए किया गया है। इसके पास राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देशित करने की शक्तियाँ हैं। बोर्ड कानून द्वारा किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, निषेध या नियमन या प्रदूषणकारी या अपमानजनक उद्योग के लिए बिजली या पानी या किसी भी अन्य सेवा की आपूर्ति रोकने या विनियमित करने का आदेश दे सकता है। इट मीन्स केंद्र शासन जो केंद्र जो प्रदूषण बोर्ड है उसके पास में सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो सबसे पहले तो जल प्रदूषण होने से बचाएगा, दूसरा उसका काम ये भी है कि भैया वो जो शुद्ध पानी है उसको शुद्ध ही बनाए रखेगा। ठीक है, उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। देखिए सबसे जो मेनली आज जो पानी हार्वेस्ट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा पानी पॉल्यूशन हो रहा है वो कंपनियों फैक्ट्रियों उनकी वजह से हो रहा है। ठीक है, क्या आपको पता है दोस्तों कि 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनने में तकरीबन 50 से 60 लीटर पानी खपत होता है। ठीक है, तो इस उससे आप देख सकते हैं कि कितनी कोल्ड ड्रिंक्स डेली के डेली उपयोग में हो रही है, और उसके साथ में कोई ऐसी कंपनी है तो कितने पानी का खर्चा कर रही होगी, एक्सपेंस कर रही होगी। तो ये जो केंद्र बोर्ड है, ठीक है, वो किसी भी कंपनी को जिसके देखता है कि उससे ज़्यादा पानी की जो पॉल्यूट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उस पर वो उसको बंद कर सकती है। ठीक है, पानी और पानी के साथ साथ में बिजली को भी बंद कर सकती है। उसके बाद में इसके अलावा केंद्रीय बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल गुणवत्ता की निगरानी और निगरानी के अपने कार्य के एक भाग के रूप में जल प्रदूषण से संबंधित टेक्नोलॉजी तकनीकी और सांख्यिकीय डेटा एकत्र करने, संकलित करने और प्रकाशित करने की भी शक्ति रखता है। मतलब कि कितना पानी की खपत होती है, कितना पानी की आवश्यकता होती है, कितना पानी कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, सारी तक वो ध्यान रखेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये थी केंद्र बोर्ड की, जो केंद्र प्रदूषण बोर्ड है, नियंत्रण बोर्ड है, उसकी शक्तियाँ। अब देखते हैं राज्य बोर्ड की शक्तियाँ क्या है। देखिए दोस्तों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कॉरपोरेट निकाय सहित सभी व्यक्तियों के अनुपालन के लिए, जल निकायों से निस्सरण के मानकों के साथ साथ अपशिष्टों के उपचार के लिए शक्तियाँ सौंपी गई हैं। इट मीन्स के जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके जितने भी कॉरपोरेट निकाय, मतलब कि ऐसी कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ, ठीक है, जितनी भी हैं जो पानी की खपत अधिक करती हैं, तो उनके साथ साथ सबसे पहले जरूरी तो यह है कि अगर विकास चाहिए, ठीक है, देश का विकास होना है तो कॉरपोरेट जो थीम है भाई, जो कॉरपोरेट की दुनिया है, मतलब जितनी कंपनियां, जितना सारा सब कुछ है, उनके लिए उनको पानी की आवश्यकता तो होगी, तो उसकी पूर्ति तो उनको करवानी है। उसके साथ साथ में कि जो ये जो है ना निकाय और निस्सरण, मतलब कि जो जैसे कंपनियां हैं, ठीक है, तो कंपनियों में जितना पॉल्यूश्ड पानी निकल रहा है, मतलब पहले तो उन्होंने अच्छा पानी यूज कर लिया, उसके बाद से पानी निकलेगा, ठीक है, तो उसको कहां पर वो उनको ठीक करना है, मतलब जो दूषित पानी निकल रहा है उनको कहां पर ठिकाने लगाना है। ठीक है, इस तरह से तो उसके सारे उपचार, ठीक है, उनकी शक्तियां कि वो कैसे कैसे कर सकते हैं, कहां कहां करेंगी, वो ऐसे तो नहीं है कंपनियों का पानी ऐसे ही किसी उसमें जो जनसंख्या वाला क्षेत्र है वहाँ पर ऐसे बहा दिया, तो इस तरह से नहीं, सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी। उसके बाद जल प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोकने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण के पास शक्ति है, ठीक है, कि वो जानकारी प्राप्त करें कि बहिस्राव के प्रवाह या मात्रा का रिकॉर्ड बनाए रखें। मतलब कि वो बताएंगी कि कोई भी कंपनी है, कोई संस्था है, कुछ भी है, तो वहाँ पर जितना भी पानी वहाँ से निकल रहा है, ठीक है, उसकी मात्रा वो रखें, उसका रिकॉर्ड बनाएं। धारा सर्वेक्षण करें और उद्योग या व्यावसायिक प्रतिष्ठान से निपटान प्रणाली के बारे में भी जानकारी लें। ठीक है, ये प्रतिष्ठान निपटान से मतलब है कि जितना भी पानी जो खपत हो रहा है, ठीक है, और उसका जितना भी निकलना है तो उसको कहाँ कहाँ पर उन्होंने ठीक सेट वो लगाया है, ठिकाने लगाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला तो था, दूसरा है कि
विश्लेषण के लिए किसी भी धारा या धुएं से बहिष्कार के नमूने ले। मतलब कि राज्य वो अगर जैसे बहुत सी कंपनियां होती हैं दोस्तों कि वो कहते तो हमारा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन नहीं भैया राज्य की वो है, वो देखना है कि जैसे कोई नदी है, ठीक है, कोई नहर है, कोई नाला है, ठीक है, तो वो वहां पर जा करके उसके जो बहती हुई धारा है उसमें से पानी के नमूने लें, ठीक है, उसको चेक करें और उसका निरीक्षण करें, ठीक है, नमूने लेकर के। तृतीय है, बोर्ड के कार्य करने के लिए संयंत्र रिकॉर्ड आदि की जांच करने के लिए किसी भी समय प्रवेश करें और निरीक्षण करें। मतलब कि वो किसी भी जगह जाकर के जहां से उन्हें लग रहा है कि यहां पर कुछ गड़बड़ चल रही है तो वहां पर जाकर के वो उसका निरीक्षण कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, नए या संशोधित डिस्चार्ज आउटलेट पर प्रतिबंध लगाएं। देखिए अभी मैं आपको बता दूं, एक नया वो प्रोसीजर में चल रहा है डिस्चार्ज वाला, मतलब कि जो कंपनी का जो गंदा पानी है, ठीक है, वो पहले क्या होता था, नदियों में और नालों में बहा देते थे, उससे बहुत ज़्यादा आबादी जो है बेकार हो जाती थी, तो अब उसने सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब इन्होंने क्या एक नया फॉर्मूला निकाला है, वो क्या फॉर्मूला निकाला है कि जैसे सपोज करो कि ये ज़मीन है, ठीक है दोस्तों, ये ज़मीन है, ठीक है, ये जमीन है, जमीन का हिस्सा है। अब वो क्या करते हैं कि जैसे पानी निकालने के लिए जैसे बोरवेल करते हैं ना, समर सेविल लगवाने के बोरवेल करते हैं तो एक पाइप के द्वारा नीचे से पानी को निकालते हैं, ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि पानी को डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब जो गंदा पानी जो बन रहा है यूज करने के बाद भी कंपनी में, तो वो क्या कर रहे हैं, एक और बोरवेल बनाते हैं, ठीक है, ये बड़ा होता है और जितना भी पानी जो गंदा होता है उस सबको इस बोरवेल में छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये अंदर तक नीचे जमीन की सतह में जाकर के पानी वहां पर चला जाता है, तो ऊपर नदियों और नालों में नहीं जाता, ठीक है, तो हालांकि ये अब चल रहा है, ठीक है, तो इसके कारण से जो जमीन के नीचे का जो पानी का स्तर है वो बहुत ही बेकार होता जा रहा है, क्योंकि पहले यह था कि पहले थोड़ी सी गनीमत थी कि ऊपर पानी गंदा है, ठीक है, तो वो जमीन में थोड़ा रिस करके छन छन करके पानी नीचे जा रहा है, ठीक है, तो नीचे जो पानी के स्रोत हैं, ठीक है, जो पानी के स्रोत है जिनको पानी की हौदी बोला जाता है, जहां से पानी बोरवेल के उससे निकाला जाता है ऊपर, ठीक है, निकाला जाता है, तो पानी वहां स्वच्छ पहुंच जाता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि एक बोरवेल करते हैं, गड्ढा करते हैं और बहुत नीचे तक उसमें छोड़ते हैं पानी को, सारे को उसमें छोड़ देते हैं, ताकि क्योंकि अभी तो सरकार ने कह दिया है कि पानी को नदी नालों और गंदी जनसंख्या वाले उसमें जहां पर गंदगी होगी वहां पर नहीं छोड़ सकते, तो अब इन्होंने ये किया है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर नीचे के पानी को गंदा होने का और बहुत ज्यादा वो चल रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि कोई भी कंपनी फर्म या कुछ भी है, उनका अगर गंदा पानी निकल रहा है तो वो क्या करें, उसको फिल्टर करके यूज करें, ठीक है, ऐसी मशीनरी लगाएं जो गंदे पानी को स्वच्छ करें, ये कर्तव्य है, लेकिन उसमें खर्चा बहुत आता है और ये उस खर्चे को ना करते हुए ये गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये पानी का निपटान कर देते हैं। आगे है कि उनको ये बताएं कि ये जो काम वो कर रहे हैं वो गलत है। उसके बाद किसी भी उद्योग या व्यवसाय की स्थापना के लिए सहमति से इनकार करना या वापस लेना, मतलब कि कोई भी उद्योग या व्यापार नया चल रहा है तो प्रदूषण बोर्ड, पॉल्यूशन जो बोर्ड है भाई साहब, इससे परमिशन लेनी होती है, ठीक है, और नई नई कंपनियां, फैक्ट्रियां, कोई स्कूल भी बनेगा तो भी यहां से इन्हें परमिशन लेनी होती है, ठीक है, तो बोर्ड के निर्देशानुसार अन्य कार्य करना और बोर्ड के निर्देशानुसार जो भी कार्य हैं उनके अनुसार ही राज्य जो नियंत्रण बोर्ड है, जल नियंत्रण बोर्ड, ये करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि धारा या धुएं के अत्यधिक प्रदूषण की स्थिति में आपातकालीन ऑपरेशन करना और प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ का निपटारा करना, मतलब कि अगर ऐसा है कि कहीं पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है धुएं से या कंपनी में जो पानी निकल रहा है उससे, तो उसका क्या करना है, उन्हें आपातकालीन ऑपरेशन करना है, इमरजेंसी लगा करके उसका निपटारा भी करना है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां पॉइंट यहाँ पर है कि प्रदूषणकारी उद्योग पर रोक लगाने या ऐसी प्रदूषणकारी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए न्यायालय में आवेदन करें। मतलब कि कोई कंपनी है ऐसी जो ऐसे काम कर रही है और फिर भी वो नहीं मान रही है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में आवेदन करें कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, फिर कोर्ट उनसे अपने आप करवा लेगी, ठीक है दोस्तों। आगे है प्रदूषण, प्रदूषकों के निर्वहन को कम करने के लिए मानकों के उल्लंघन या किसी भी आदेश का पालन न करने के साथ साथ अपमानजनक प्रतिष्ठान को बिजली या पानी की आपूर्ति बंद करने के लिए उद्योगों को बंद करने, निषेध या विनियमन के तत्काल आदेश जारी करें। मतलब कि ये राज्य जल प्रदूषण बोर्ड का कार्य है कि अगर कोई उनको लग रहा है कि कोई भी कंपनी, कोई दादागिरी से किसी मंत्री की, किसी की कैसी कंपनी चल रही है और वो प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला रही है, वो फिर भी नहीं मान रहे हैं,
तो क्या करना है, ठीक है, उसका लाइसेंस रद्द कर देना है, उसको बंद कर देना है, ठीक है, और कोर्ट को आदेश दे देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है, आपने यहाँ पर देखा है केंद्र के और राज्य के दोनों जो जल बोर्ड नियंत्रण है वो क्या क्या करते हैं, ठीक है, ये इनके पास में शक्तियाँ होती है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हम आपसे चाहेंगे विदा। जय हिंद दोस्तों।